नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी बिना सरकार के अनुमति से दूसरी शादी करते हैं तो आपकी दूसरी पत्नी को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बता दें आपको कि पटना हाईकोर्ट में एक ऐसा केस आया था जिसको लेकर के पटना हाईकोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप सरकार के बिना परमिशन के दूसरी शादी कर लेते हैं तो ऐसे में जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ आपकी दूसरी पत्नी नहीं उठा सकती है। क्या है पूरा मामला और इस फैसले में क्या क्या पटना हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, आइए इस वीडियो में बताते हैं। पटना हाईकोर्ट ने पेंशन के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में ये कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी ने अगर बगैर सरकार की अनुमति के शादी कर ली है तब उसकी दूसरी पत्नी पेंशन या सेवा लाभ की हकदार नहीं होगी। न्यायालय ने दूसरी पत्नी बेबी देवी की तरफ से दायर अर्जी को खारिज करते हुए इस तरह का फैसला सुनाया है। बता दें आपको कि आवेदिका की तरफ से न्यायालय को ये बताया गया कि वह दूसरी पत्नी है और उसके पति नागेंद्र सिंह की मौत 2020 में हो गई थी। नागेंद्र सिंह भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में मासिक श्रमिक के तौर पर कार्यरत थे। दूसरी पत्नी की तरफ से वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि यदि किसी अधिकारी की एक से अधिक विधवाएं जीवित हों तो पेंशन का भुगतान बराबर हिस्सों में किया जाएगा। यानी कि अगर सरकार की नज़र में आप दो शादी किए हुए हैं तब तो आपको दोनों पतियों को बराबर हिस्से में पेंशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने सरकार की नज़रिए से एक ही शादी की है और एक शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की है तो ऐसे में एक ही पत्नी को इसका लाभ दिया जाएगा, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। पूरा मामला क्या है, आइए अब आपको उस पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दे देते हैं। बता दें कि याचिका का ये विरोध करते हुए वकील आरके शुक्ला और प्रत्युष प्रताप सिंह ने न्यायालय को इस बात की जानकारी दी कि पेंशन और अन्य लाभ के भुगतान को लेकर पहली पत्नी समुद्री देवी ने उच्च न्यायालय में एक केस दायर किया था। इन दोनों अधिवक्ताओं का कहना है कि उसे केस में कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय को आदेश दिया था कि वह यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी ने दूसरी शादी करने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी स्वीकृति ली थी या नहीं। और इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ये कहा था कि यदि बात सामने आती है तो दूसरी शादी बगैर अनुमति के की गई तो दिवंगत कर्मी की पहली पत्नी पेंशन और अन्य लाभ की हकदार होंगी। बता दें कि विश्वविद्यालय ने जून 2024 में पहली पत्नी के हक में फैसला देते हुए उसे सभी लाभ का हकदार माना, लेकिन इस बीच दूसरी पत्नी द्वारा कोर्ट में केस दायर कर विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी गई। विश्वविद्यालय की तरफ से अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि साल 1996 में यानी कि 1996 में यह कहा गया था कि दूसरी पत्नी पेंशन या अन्य सेवा लाभ की हकदार नहीं होगी। संकल्प ये भी था कि दूसरी पत्नी के बच्चे अनुपातित लाभ के हकदार हैं। एकल पीठ के द्वारा तथ्यों के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए दूसरी पत्नी की अर्जी को खारिज कर दिया गया। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। इस फैसले में साफ तौर पे कह दिया गया है कि अगर आप सरकार की अनुमति के बिना शादी करते हैं दूसरी, तो उसके बाद दूसरी पत्नी को कोई भी लाभ सरकार की योजनाओं का नहीं दिया जाएगा, चाहे वो पेंशन हो या फिर अन्य कोई योजना, सरकारी योजना का लाभ हो, वो सिर्फ पहली पत्नी को ही दिया जाएगा, दूसरी पत्नी को नहीं दिया जाएगा। साथ ही क्योंकि देखिए, जब सरकारी कर्मचारी आप होते हैं तो कई सारी योजनाओं का लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, उनके बच्चों को मिलता है, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड जो भी आपकी वाइफ होंगी उन्हीं को उस योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी कि अगर आपने दो शादी की है और एक शादी आपकी रजिस्टर्ड है तो पहली वाइफ को ही सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, दूसरी पत्नी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।